इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, नारायणी क्षेत्र में सक्रिय थे दोनों लुटेरे और छतरपुर के रहने वाले हैं दोनों लुटेरे। सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया है। लुटेरों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में घायल हुए दोनों आरोपी। पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हुए हैं। नारायणी क्षेत्र में सक्रिय थे दोनों लुटेरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नारायणी क्षेत्र में सक्रिय थे दोनों लुटेरे और सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी का भी प्रयास किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लुटेरों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। लुटेरों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है और पुलिस की फायरिंग में घायल हुए दोनों आरोपी। तो पुलिस की फायरिंग में दोनों आरोपी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हुए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनों में हमारे यहाँ जो अतर्रा और नारायणी का क्षेत्र है उसमें कुछ घटनाएं हुई थी और उसमें स्पेशली एक जो बरौसा के थाने क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला ई रिक्शे पर जा रही थी, उसे लूट हुई थी। उस चीज़ पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे और फाइनली हम लोग को पता चला कि ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये जो भी बैंक से लोग निकलते हैं, खासकर महिलाएं या वृद्ध पुरुष जो इजी टारगेट होते हैं, इनको ट्रैक करते हैं और रास्ते में इनके जो है पैसे को छीन लेते हैं। तो पुलिस की फायरिंग में घायल हुए दोनों आरोपी, ये फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस की फायरिंग में दोनों आरोपी यहां पर घायल हुए हैं और मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हुए। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक।